procedure of law making has not been followed. कानून जब कोई बनाया जाता है तो स्टेक होल्डर से उसमें उनकी ओपिनियन ली जाती है, लेकिन इसमें किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, किसी मुस्लिम स्कॉलर से, खासतौर पर वुमेन्स की जो फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं उनमें से किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया गया। जो जिस तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सेट असाइड है, ये इफेक्टिव नहीं होगी, ये इलीगल होगी, तो इसी को इसको क्रिमिनल पनिशेबल एक्ट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जब वो तलाक ही नहीं हुई, जब जुर्म ही नहीं हुआ, तो फिर सजा किस बात की दी जा रही है? इससे पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह का कोई बिल पेश करना जरूरी है उन औरतों के राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए जिनको एक वक्त में तीन तलाक दे दी जाती है, तो गवर्नमेंट को जरूर मशवरा करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, मुस्लिम विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात को सुनना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए, और सिर्फ उसके बाद ही बिल को प्रिपेयर किया जाए अगर मकसद इसका यह है जो बयान किया जाता है, और अगर कोई पॉलिटिकल मकसद है तो हम उस पर कोई और कमेंट नहीं कर सकते। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 25 है ये उसकी उसके बिल्कुल खिलाफ है ये बिल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शैल अपोज दिस बिल एट ऑल लेवल्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एट लार्ज। कि इस बात का निर्णय लिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वो तक पहुंचाएंगे कि क्या फीलिंग्स हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की और मुस्लिम कम्युनिटी की एट लार्ज इस बिल के बारे में।